दुनिया के अंदर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इसके एडिक्ट तक होने लग गए हैं, और ख़ास तौर पे जब ज़्यादा यहाँ पे बड़ा जब शॉर्ट्स का ज़माना आया। एक्चुअल में आपको याद होगा टिकटॉक का आना, और सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई स्टार बनने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पे पिछले ही साल भारत ने भी एक बड़ा फैसला लिया था टिकटॉक को लेकर, और अब नेपाल के अंदर भी एक बहुत बड़ा फैसला टिकटॉक को लेकर लिया गया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे कि नेपाल की कैबिनेट बैठक होने पर मजबूर होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर निर्णय लेने पर, और सबसे बड़ी बात ये कि फिर आखिरकार क्या निर्णय लिया गया। अगर टिकटॉक के अंगेस्ट कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी क्या क्या मजबूरियां रही होंगी, ये सवाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि चिढ़ा रहा है, या फिर ऐसे कहें कि अगर अंगेस्ट फैसला लिया गया है तो नेपाल की सरकार की क्या क्या मजबूरियां होंगी। तो वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन जो कि भारत के अंदर पिछले 2 सालों से बंद हैं, बैंड हैं, और जब ऐसा बताया जा रहा था कि टिकटॉक को बैन करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का कोई लॉजिक नहीं है, जबकि ये लॉजिक है कि चाइना के साथ सही बनती नहीं और इसकी वजह से टिकटॉक बैन कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे नेपाल की कैबिनेट बैठक होती है और नेपाल के अंदर भी टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया जाता है, तो ये बात अब और ज़्यादा बवाल खा जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ इतनी वजह होती कि इंडिया की जो सही रिलेशन नहीं है चाइना के साथ इसलिए बैन किया गया है, तो फिर नेपाल को ज़रूरत नहीं पड़ती टिकटॉक को बैन करने की। यानी कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार का संचार एवं सूचना यहाँ पे प्रौद्योगिकरण मंत्रालय के द्वारा समा ने बताया है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के कारण टिकटॉक को बंद करने का फैसला लिया गया है। मंत्री शर्मा जो कि सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा है कि नीतिगत तौर पर टिकटॉक को आज से नेपाल में बंद कर दिया गया है, और आज से इसे बंद करने का फैसला है वो कैबिनेट खुद कहती है। तकनीकी रूप से इसमें कितना समय लगेगा वो अभी नहीं बताया जा सकता। संचार मंत्रालय तकनीकी रूप से आवश्यक व्यवस्था कर रहा है और जल्द से जल्द इसे बैन करा जाएगा। संचार मंत्री शर्मा ने यहाँ पे इंकातीपुर से कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस काम को निपटाया जाए, ताकि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर मिलना बंद हो जाए या फिर वहाँ से इंस्टॉल होना बंद हो जाए, और इसके साथ साथ जो थर्ड पार्टी यूजेज हैं वो भी बंद हो जाए। हालांकि बात ये भी है कि स्वतंत्रता एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, वही करने की बड़ी प्रवृत्ति के कारण सरकार ने टिकटॉक को बंद करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि टिकटॉक के ऊपर लोग गलत तरह से इंफॉर्मेटिव चीज़ें देते हैं, लोग भड़काने का कार्य करते हैं, इसके साथ साथ कुछ अश्लील चीज़ें भी टिकटॉक के जरिए फैलाई जाती हैं जो कि एक संस्कृति को बहुत बड़ा ठेस पहुँचाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल और 3 महीने में 1678 साइबर क्राइम की शिकायतें भी दर्ज की गई है, जिनमें से ज्यादातर टिकटॉक से ही जुड़ी हुई हैं। टिकटॉक में फर्जी अकाउंट खोलकर यहां पे मान हानिकरण सामग्री को स्वचालित रूप से हटाने की व्यवस्था का की भी कोई प्रवर्धन नहीं है। यानी कि आप किसी भी तरह की वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं और कोई हटाएगा भी नहीं उसे, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। कुछ देशों ने टिकटॉक पर प्रतिबंध पहले ही लगा दिया है, जबकि अमेरिका और फ्रांस समेत 50 से अधिक विकसित देशों ने इसे विनिमय करने के लिए कदम उठाए हैं। टिकटॉक जिसका उपयोग बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी उम्र के और तथा व्यवसायों के लोग द्वारा भी सुचारू रूप से किया जा रहा है, नेपाल में यहाँ पे मनोसामाजिक समस्याएं पैदा करने पर तुला हुआ है। इसीलिए यहाँ पे गृह मंत्रालय की किसी न किसी तरह से टिकटॉक को विनम्य करने के लिए आवाज़ उठाना, और इस मुद्दे पर जो पिछले हफ्ते भी एक ब्यूरो रिपोर्ट बैठी थी गृह मंत्रालय और टिकटॉक के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई थी, और फाइनली ये फैसला लिया गया है कि टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। यानी कि जितने भी क्राइम हैं जो भी हैं उन सभी को मद्देनजर रखकर अब टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, फुल्ली बैन कर दिया गया है नेपाल के अंदर। अभी चल रहा होगा, हो सकता है 5 दिन में, हो सकता है 10 दिन में, या फिर मोस्टली 1 महीने के अंदर टिकटॉक बिल्कुल बंद हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए घाटा भी है क्योंकि कुछ लोगों का रोजगार बना हुआ है टिकटॉक, लेकिन
बहुत से लोगों का फायदा भी होने वाला है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, अगर कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।